हेलो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस मूवी की हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है मर्द जी हाँ हम मर्द उन्नीस में जो अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी उसी का रिव्यू करने वाले हैं तो दोस्तों आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि मर्द फिल्म कब रिलीज़ की गई थी इसका डेट क्या था इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कितने में बनी थी कितने पैसे लगे थे इस मूवी को बनाने में इस मूवी में कौन कौन से आपको स्टार कास्ट दिखेंगे उनका नाम क्या है कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन इसके डायरेक्टर हैं कौन इसके लेखक हैं और ये जो मूवी है यह कब रिलीज़ की गई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कितना कुल -कौ -कौ कलेक्शन कर सकी थी यह हिट हुई थी यह फ्लॉप हुई थी और अमिताभ बच्चन की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म माने जाने वाले मर्द जो हैं वो किस तरीके से दर्शकों को लुभाई थी इन सभी के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आपका कोई डाउट है या कोई संदेह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मर्द दो सॉरी मर्द जो है ये उन्नीस में हिंदी लैंग्वेज में जो बनी एक एक्शन फिल्म है जो कि भारतीय फिल्म है और इसे जो है डायरेक्ट किया गया है मनमोहन देसाई के द्वारा और स्टार्टिंग जो है वो अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह के द्वारा इसमें लीड रोल में दिखेंगे और ये जो है एक तमिल भाषा की रीमेक फिल्म है हाँ जो कि मावीरेनियन फिल्म की जो है वो तमिल भाषा की रीमेक की गई थी इसी के साथ अमिताभ बच्चन को नॉमिनेट किया गया था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर कैटेगरी में जिस फिल्म के तहत ठीक है और ये जो है हाईएस्ट ग्रो ग्रोसिंग फिल्म है मतलब बहुत ज़्यादा कलेक्शन की थी बहुत ज़्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म थी और ये जो है करीब चार सौ हेलो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस मूवी की हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है मर्द जी हाँ हम मर्द उन्नीस में जो अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी उसी का रिव्यू करने वाले हैं तो दोस्तों आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि मर्द फिल्म कब रिलीज़ की गई थी इसका डेट क्या था इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कितने में बनी थी कितने पैसे लगे थे इस मूवी को बनाने में इस मूवी में कौन कौन से आपको स्टार कास्ट दिखेंगे उनका नाम क्या है कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन इसके डायरेक्टर हैं कौन इसके लेखक हैं और ये जो मूवी है यह कब रिलीज़ की गई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कितना कौ, कौ, कलेक्शन कर सकी थी यह हिट हुई थी यह फ्लॉप हुई थी और अमिताभ बच्चन की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म माने जाने वाले मर्द जो हैं वो किस तरीके से दर्शकों को लुभाई थी इन सभी के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आपका कोई डाउट है या कोई संदेह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मर्द दो सॉरी मर्द जो है ये उन्नीस में हिंदी लैंग्वेज में जो बनी एक एक्शन फिल्म है जो कि भारतीय फिल्म है और इसे जो है डायरेक्ट किया गया है मनमोहन देसाई के द्वारा और स्टार्टिंग जो है वो अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह के द्वारा इसमें लीड रोल में दिखेंगे और ये जो है एक तमिल भाषा की रीमेक फिल्म है हाँ जो कि मावीरेनियन फिल्म की जो है वो तमिल भाषा की रीमेक की गई थी इसी के साथ अमिताभ बच्चन को नॉमिनेट किया गया था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर कैटेगरी में जिस फिल्म के तहत ठीक है और ये जो है हाईएस्ट ग्रो ग्रोसिंग फिल्म है मतलब बहुत ज़्यादा कलेक्शन की थी बहुत ज़्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म थी और ये जो है करीब चार हेलो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस मूवी की हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है मर्द जी हाँ हम मर्द उन्नीस में जो अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी उसी का रिव्यू करने वाले हैं तो दोस्तों आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि मर्द फिल्म कब रिलीज़ की गई थी इसका डेट क्या था इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कितने में बनी थी कितने पैसे लगे थे इस मूवी को बनाने में इस मूवी में कौन कौन से आपको स्टार कास्ट दिखेंगे उनका नाम क्या है कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन इसके डायरेक्टर हैं कौन इसके लेखक हैं और ये जो मूवी है यह कब रिलीज की गई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कितना कुल -कौ -कौ कलेक्शन कर सकी थी यह हिट हुई थी यह फ्लॉप हुई थी और अमिताभ बच्चन की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म माने जाने वाले मर्द जो हैं वो किस तरीके से दर्शकों को लुभाई थी इन सभी के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आपका कोई डाउट है या कोई संदेह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मर्द दो सॉरी मर्द जो है ये उन्नीस में हिंदी लैंग्वेज में जो बनी एक एक्शन फिल्म है जो कि भारतीय फिल्म है और इसे जो है डायरेक्ट किया गया है मनमोहन देसाई के द्वारा और स्टार्टिंग जो है वो अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह के द्वारा इसमें लीड रोल में दिखेंगे और ये जो है एक तमिल भाषा की रीमेक फिल्म है हाँ जो कि मावीरेनियन फिल्म की जो है वो तमिल भाषा की रिमेक की गई थी इसी के साथ अमिताभ बच्चन को नॉमिनेट किया गया था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर कैटेगरी में जिसे फिल्म के तहत ठीक है और ये जो है हाईएस्ट ग्रो ग्रोसिंग फिल्म है मतलब बहुत ज़्यादा कलेक्शन की थी बहुत ज़्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म थी और ये जो है करीब चार सौ हेलो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस मूवी की हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है मर्द जी हाँ हम मर्द उन्नीस में जो अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी उसी का रिव्यू करने वाले हैं तो दोस्तों आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि मर्द फिल्म कब रिलीज़ की गई थी इसका डेट क्या था इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कितने में बनी थी कितने पैसे लगे थे इस मूवी को बनाने में इस मूवी में कौन कौन से आपको स्टार कास्ट दिखेंगे उनका नाम क्या है कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन इसके डायरेक्टर हैं कौन इसके लेखक हैं और ये जो मूवी है यह कब रिलीज़ की गई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कितना कुल -कौ -कौ कलेक्शन कर सकी थी यह हिट हुई थी यह फ्लॉप हुई थी और अमिताभ बच्चन की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म माने जाने वाले मर्द जो हैं वो किस तरीके से दर्शकों को लुभाई थी इन सभी के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आपका कोई डाउट है या कोई संदेह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मर्द 2000 सॉरी मर्द जो है ये उन्नीस में हिंदी लैंग्वेज में जो बनी एक एक्शन फिल्म है जो कि भारतीय फिल्म है और इसे जो है डायरेक्ट किया गया है मनमोहन देसाई के द्वारा और इस स्टार्टिंग जो है वो अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह के द्वारा इसमें लीड रोल में दिखेंगे और ये जो है एक तमिल भाषा की रिमेक फिल्म है हाँ जो कि मावीरेनियन फिल्म की जो है वो तमिल भाषा की रीमेक की गई थी इसी के साथ अमिताभ बच्चन को नॉमिनेट किया गया था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर कैटेगरी में जिस फिल्म के तहत ठीक है और ये जो है हाईएस्ट ग्रो ग्रोसिंग फिल्म है मतलब बहुत ज़्यादा कलेक्शन की थी बहुत ज़्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म थी और ये जो है करीब चार हेलो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस मूवी की हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है मर्द जी हाँ हम मर्द उन्नीस में जो अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी उसी का रिव्यू करने वाले हैं तो दोस्तों आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि मर्द फिल्म कब रिलीज़ की गई थी इसका डेट क्या था इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कितने में बनी थी कितने पैसे लगे थे इस मूवी को बनाने में इस मूवी में कौन कौन से आपको स्टार कास्ट दिखेंगे उनका नाम क्या है कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन इसके डायरेक्टर हैं कौन इसके लेखक हैं और ये जो मूवी है यह कब रिलीज़ की गई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कितना कौ -कौ कलेक्शन कर सकी थी यह हिट हुई थी यह फ्लॉप हुई थी और अमिताभ बच्चन की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म माने जाने वाले मर्द जो हैं वो किस तरीके से दर्शकों को लुभाई थी इन सभी के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आपका कोई डाउट है या कोई संदेह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मर्द दो सॉरी मर्द जो है ये उन्नीस में हिंदी लैंग्वेज में जो बनी एक एक्शन फिल्म है जो कि भारतीय फिल्म है और इसे जो है डायरेक्ट किया गया है मनमोहन देसाई के द्वारा और इस स्टार्टिंग जो है वो अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह के द्वारा इसमें लीड रोल में दिखेंगे और ये जो है एक तमिल भाषा की रीमेक फिल्म है हाँ जो कि मावीरेनियन फिल्म की जो है वो तमिल भाषा की रीमेक की गई थी इसी के साथ अमिताभ बच्चन को नॉमिनेट किया गया था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर कैटेगरी में जिस फिल्म के तहत ठीक है और ये जो है हाईएस्ट ग्रो ग्रोसिंग फिल्म है मतलब बहुत ज़्यादा कलेक्शन की थी बहुत ज़्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म थी और ये जो है करीब चार हेलो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस मूवी की हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है मर्द जी हाँ हम मर्द उन्नीस में जो अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी उसी का रिव्यू करने वाले हैं तो दोस्तों आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि मर्द फिल्म कब रिलीज़ की गई थी इसका डेट क्या था इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कितने में बनी थी कितने पैसे लगे थे इस मूवी को बनाने में इस मूवी में कौन कौन से आपको स्टार कास्ट दिखेंगे उनका नाम क्या है कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन इसके डायरेक्टर हैं कौन इसके लेखक हैं और ये जो मूवी है यह कब रिलीज़ की गई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कितना -कौ -कौ कलेक्शन कर सकी थी यह हिट हुई थी यह फ्लॉप हुई थी और अमिताभ बच्चन की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म माने जाने वाले मर्द जो हैं वो किस तरीके से दर्शकों को लुभाई थी इन सभी के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आपका कोई डाउट है या कोई संदेह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मर्द दो सॉरी मर्द जो है ये उन्नीस में हिंदी लेग में जो बनी एक एक्शन फिल्म है जो कि भारतीय फिल्म है और इसे जो है डायरेक्ट किया गया है मनमोहन देसाई के द्वारा और स्टार्टिंग जो है वो अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह के द्वारा इसमें लीड रोल में दिखेंगे और ये जो है एक तमिल भाषा की रीमेक फिल्म है हाँ जो कि मावीरेनियन फिल्म की जो है वो तमिल भाषा की रीमेक की गई थी इसी के साथ अमिताभ बच्चन को नॉमिनेट किया गया था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर कैटेगरी में जिस फिल्म के तहत ठीक है और ये जो है हाईएस्ट ग्रो ग्रोसिंग फिल्म है मतलब बहुत ज़्यादा कलेक्शन की थी बहुत ज़्यादा कमाई करने वाली ये फ़िल्म थी और ये जो है करीब चार हेलो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस मूवी की हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है मर्द जी हाँ हम मर्द उन्नीस में जो अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी उसी का रिव्यू करने वाले हैं तो दोस्तों आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि मर्द फिल्म कब रिलीज़ की गई थी इसका डेट क्या था इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कितने में बनी थी कितने पैसे लगे थे इस मूवी को बनाने में इस मूवी में कौन कौन से आपको स्टार कास्ट दिखेंगे उनका नाम क्या है कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन इसके डायरेक्टर हैं कौन इसके लेखक हैं और ये जो मूवी है यह कब रिलीज की गई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कितना कुल कौ -कौ कलेक्शन कर सकी थी यह हिट हुई थी यह फ्लॉप हुई थी और अमिताभ बच्चन की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म माने जाने वाले मर्द जो हैं वो किस तरीके से दर्शकों को लुभाई थी इन सभी के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आपका कोई डाउट है या कोई संदेह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मर्द दो सॉरी मर्द जो है ये उन्नीस में हिंदी लैंग्वेज में जो बनी एक एक्शन फिल्म है जो कि भारतीय फिल्म है और इसे जो है डायरेक्ट किया गया है मनमोहन देसाई के द्वारा और स्टार्टिंग जो है वो अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह के द्वारा इसमें लीड रोल में दिखेंगे और ये जो है एक तमिल भाषा की रीमेक फिल्म है हाँ जो कि मावीरेनियन फिल्म की जो है वो तमिल भाषा की रिमेक की गई थी इसी के साथ अमिताभ बच्चन को नॉमिनेट किया गया था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर कैटेगरी में जिस फिल्म के तहत ठीक है और ये जो है हाईएस्ट ग्रो ग्रोसिंग फिल्म है मतलब बहुत ज़्यादा कलेक्शन की थी बहुत ज़्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म थी और ये जो है करीब चार हेलो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस मूवी की हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है मर्द जी हाँ हम मर्द उन्नीस में जो अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी उसी का रिव्यू करने वाले हैं तो दोस्तों आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि मर्द फिल्म कब रिलीज़ की गई थी इसका डेट क्या था इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कितने में बनी थी कितने पैसे लगे थे इस मूवी को बनाने में इस मूवी में कौन कौन से आपको स्टार कास्ट दिखेंगे उनका नाम क्या है कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन इसके डायरेक्टर हैं कौन इसके लेखक हैं और ये जो मूवी है यह कब रिलीज़ की गई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कितना -कौ -कौ कलेक्शन कर सकी थी यह हिट हुई थी यह फ्लॉप हुई थी और अमिताभ बच्चन की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म माने जाने वाले मर्द जो हैं वो किस तरीके से दर्शकों को लुभाई थी इन सभी के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आपका कोई डाउट है या कोई संदेह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मर्द दो सॉरी मर्द जो है ये उन्नीस में हिंदी लैंग्वेज में जो बनी एक एक्शन फिल्म है जो कि भारतीय फिल्म है और इसे जो है डायरेक्ट किया गया है मनमोहन देसाई के द्वारा और इस स्टार्टिंग जो है वो अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह के द्वारा इसमें लीड रोल में दिखेंगे और ये जो है एक तमिल भाषा की रीमेक फिल्म है हाँ जो कि मावीरेनियन फिल्म की जो है वो तमिल भाषा की रीमेक की गई थी इसी के साथ अमिताभ बच्चन को नॉमिनेट किया गया था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर कैटेगरी में जिस फिल्म के तहत ठीक है और ये जो है हाईएस्ट ग्रो ग्रोसिंग फिल्म है मतलब बहुत ज़्यादा कलेक्शन की थी बहुत ज़्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म थी और ये जो है करीब चार सौ हेलो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस मूवी की हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है मर्द जी हाँ हम मर्द उन्नीस में जो अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी उसी का रिव्यू करने वाले हैं तो दोस्तों आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि मर्द फिल्म कब रिलीज़ की गई थी इसका डेट क्या था इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कितने में बनी थी कितने पैसे लगे थे इस मूवी को बनाने में इस मूवी में कौन कौन से आपको स्टार कास्ट दिखेंगे उनका नाम क्या है कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन इसके डायरेक्टर हैं कौन इसके लेखक हैं और ये जो मूवी है यह कब रिलीज़ की गई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कितना कुल कलेक्शन कर सकी थी यह हिट हुई थी यह फ्लॉप हुई थी और अमिताभ बच्चन की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म माने जाने वाले मर्द जो हैं वो किस तरीके से दर्शकों को लुभाई थी इन सभी के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आपका कोई डाउट है या कोई संदेह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मर्द दो सॉरी मर्द जो है ये उन्नीस में हिंदी लैंग्वेज में जो बनी एक एक्शन फिल्म है जो कि भारतीय फिल्म है और इसे जो है डायरेक्ट किया गया है मनमोहन देसाई के द्वारा और स्टार्टिंग जो है वो अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह के द्वारा इसमें लीड रोल में दिखेंगे और ये जो है एक तमिल भाषा की रीमेक फिल्म है हाँ जो कि रेनियन फिल्म की जो है वो तमिल भाषा की रिमेक की गई थी इसी के साथ अमिताभ बच्चन को नॉमिनेट किया गया था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर कैटेगरी में जिस फिल्म के तहत ठीक है और ये जो है हाईएस्ट ग्रो ग्रोसिंग फिल्म है मतलब बहुत ज़्यादा कलेक्शन की थी बहुत ज़्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म थी और ये जो है करीब चार सौ हेलो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस मूवी की हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है मर्द जी हाँ हम मर्द उन्नीस में जो अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी उसी का रिव्यू करने वाले हैं तो दोस्तों आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि मर्द फिल्म कब रिलीज़ की गई थी इसका डेट क्या था इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कितने में बनी थी कितने पैसे लगे थे इस मूवी को बनाने में इस मूवी में कौन कौन से आपको स्टार कास्ट दिखेंगे उनका नाम क्या है कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन इसके डायरेक्टर हैं कौन इसके लेखक हैं और ये जो मूवी है यह कब रिलीज़ की गई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कितना कुल -कौ -कौ कलेक्शन कर सकी थी ये हिट हुई थी यह फ्लॉप हुई थी और अमिताभ बच्चन की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म माने जाने वाले मर्द जो हैं वो किस तरीके से दर्शकों को लुभाई थी इन सभी के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आपका कोई डाउट है या कोई संदेह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मर्द 2000 सॉरी मर्द जो है ये उन्नीस में हिंदी लैंग्वेज में जो बनी एक एक्शन फिल्म है जो कि भारतीय फिल्म है और इसे जो है डायरेक्ट किया गया है मनमोहन देसाई के द्वारा और स्टार्टिंग जो है वो अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह के द्वारा इसमें लीड रोल में दिखेंगे और ये जो है एक तमिल भाषा की रीमेक फिल्म है हाँ जो कि मावीरेनियन फिल्म की जो है वो तमिल भाषा की रिमेक की गई थी इसी के साथ अमिताभ बच्चन को नॉमिनेट किया गया था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर कैटेगरी में जिस फिल्म के तहत ठीक है और ये जो है हाईएस्ट ग्रो ग्रोसिंग फिल्म है मतलब बहुत ज्यादा कलेक्शन की थी बहुत ज्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म थी और ये जो है करीब चार हेलो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस मूवी की हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है मर्द जी हाँ हम मर्द उन्नीस में जो अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी उसी का रिव्यू करने वाले हैं तो दोस्तों आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि मर्द फिल्म कब रिलीज़ की गई थी इसका डेट क्या था इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कितने में बनी थी कितने पैसे लगे थे इस मूवी को बनाने में इस मूवी में कौन कौन से आपको स्टार कास्ट दिखेंगे उनका नाम क्या है कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन इसके डायरेक्टर हैं कौन इसके लेखक हैं और ये जो मूवी है यह कब रिलीज़ की गई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कितना कुल -कौ -कौ कलेक्शन कर सकी थी यह हिट हुई थी यह फ्लॉप हुई थी और अमिताभ बच्चन की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म माने जाने वाले मर्द जो हैं वो किस तरीके से दर्शकों को लुभाई थी इन सभी के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आपका कोई डाउट है या कोई संदेह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मर्द दो सॉरी मर्द जो है ये उन्नीस में हिंदी लैंग्वेज में जो बनी एक एक्शन फिल्म है जो कि भारतीय फिल्म है और इसे जो है डायरेक्ट किया गया है मनमोहन देसाई के द्वारा और स्टार्टिंग जो है वो अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह के द्वारा इसमें लीड रोल में दिखेंगे और ये जो है एक तमिल भाषा की रीमेक फिल्म है हाँ जो कि मावीरेनियन फिल्म की जो है वो तमिल भाषा की रीमेक की गई थी इसी के साथ अमिताभ बच्चन को नॉमिनेट किया गया था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर कैटेगरी में जिस फिल्म के तहत ठीक है और ये जो है हाईएस्ट ग्रो ग्रोसिंग फिल्म है मतलब बहुत ज़्यादा कलेक्शन की थी बहुत ज़्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म थी और ये जो है करीब चार सौ हेलो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस मूवी की हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है मर्द जी हाँ हम मर्द उन्नीस में जो अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी उसी का रिव्यू करने वाले हैं तो दोस्तों आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि मर्द फिल्म कब रिलीज़ की गई थी इसका डेट क्या था इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कितने में बनी थी कितने पैसे लगे थे इस मूवी को बनाने में इस मूवी में कौन कौन से आपको स्टार कास्ट दिखेंगे उनका नाम क्या है कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन इसके डायरेक्टर हैं कौन इसके लेखक हैं और ये जो मूवी है यह कब रिलीज़ की गई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कितना कुल -कौ -कौ कलेक्शन कर सकी थी यह हिट हुई थी यह फ्लॉप हुई थी और अमिताभ बच्चन की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म माने जाने वाले मर्द जो हैं वो किस तरीके से दर्शकों को लुभाई थी इन सभी के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आपका कोई डाउट है या कोई संदेह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मर्द दो सॉरी मर्द जो है ये उन्नीस में हिंदी लैंग्वेज में जो बनी एक एक्शन फिल्म है जो कि भारतीय फिल्म है और इसे जो है डायरेक्ट किया गया है मनमोहन देसाई के द्वारा और स्टार्टिंग जो है वो अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह के द्वारा इसमें लीड रोल में दिखेंगे और ये जो है एक तमिल भाषा की रीमेक फिल्म है हाँ जो कि मावीरेनियन फिल्म की जो है वो तमिल भाषा की रिमेक की गई थी इसी के साथ अमिताभ बच्चन को नॉमिनेट किया गया था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर कैटेगरी में जिस फिल्म के तहत ठीक है और ये जो है हाईएस्ट ग्रो ग्रोसिंग फिल्म है मतलब बहुत ज्यादा कलेक्शन की थी बहुत ज्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म थी और ये जो है करीब चार हेलो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस मूवी की हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है मर्द जी हाँ हम मर्द उन्नीस में जो अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी उसी का रिव्यू करने वाले हैं तो दोस्तों आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि मर्द फिल्म कब रिलीज़ की गई थी इसका डेट क्या था इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कितने में बनी थी कितने पैसे लगे थे इस मूवी को बनाने में इस मूवी में कौन कौन से आपको स्टार कास्ट दिखेंगे उनका नाम क्या है कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन इसके डायरेक्टर हैं कौन इसके लेखक हैं और ये जो मूवी है यह कब रिलीज की गई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कितना कुल -कौ -कौ कलेक्शन कर सकी थी यह हिट हुई थी यह फ्लॉप हुई थी और अमिताभ बच्चन की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म माने जाने वाले मर्द जो हैं वो किस तरीके से दर्शकों को लुभाई थी इन सभी के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आपका कोई डाउट है या कोई संदेह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मर्द दो सॉरी मर्द जो है ये उन्नीस में हिंदी लैंग्वेज में जो बनी एक एक्शन फिल्म है जो कि भारतीय फिल्म है और इसे जो है डायरेक्ट किया गया है मनमोहन देसाई के द्वारा और स्टार्टिंग जो है वो अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह के द्वारा इसमें लीड रोल में दिखेंगे और ये जो है एक तमिल भाषा की रीमेक फिल्म है हाँ जो कि मावीरेनियन फिल्म की जो है वो तमिल भाषा की रिमेक की गई थी इसी के साथ अमिताभ बच्चन को नॉमिनेट किया गया था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर कैटेगरी में जिसे फिल्म के तहत ठीक है और ये जो है हाईएस्ट ग्रो ग्रोसिंग फिल्म है मतलब बहुत ज़्यादा कलेक्शन की थी बहुत ज़्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म थी और ये जो है करीब चार हेलो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस मूवी की हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है मर्द जी हाँ हम मर्द उन्नीस में जो अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी उसी का रिव्यू करने वाले हैं तो दोस्तों आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि मर्द फिल्म कब रिलीज़ की गई थी इसका डेट क्या था इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कितने में बनी थी कितने पैसे लगे थे इस मूवी को बनाने में इस मूवी में कौन कौन से आपको स्टार कास्ट दिखेंगे उनका नाम क्या है कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन इसके डायरेक्टर हैं कौन इसके लेखक हैं और ये जो मूवी है यह कब रिलीज की गई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कितना कुल -कौ -कौ कलेक्शन कर सकी थी यह हिट हुई थी यह फ्लॉप हुई थी और अमिताभ बच्चन की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म माने जाने वाले मर्द जो हैं वो किस तरीके से दर्शकों को लुभाई थी इन सभी के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आपका कोई डाउट है या कोई संदेह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मर्द दो सॉरी मर्द जो है ये उन्नीस में हिंदी लैंग्वेज में जो बनी एक एक्शन फिल्म है जो कि भारतीय फिल्म है और इसे जो है डायरेक्ट किया गया है मनमोहन देसाई के द्वारा और स्टार्टिंग जो है वो अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह के द्वारा इसमें लीड रोल में दिखेंगे और ये जो है एक तमिल भाषा की रीमेक फिल्म है हाँ जो कि मावीरेनियन फिल्म की जो है वो तमिल भाषा की रिमेक की गई थी इसी के साथ अमिताभ बच्चन को नॉमिनेट किया गया था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर कैटेगरी में जिसे फिल्म के तहत ठीक है और ये जो है हाईएस्ट ग्रो ग्रोसिंग फिल्म है मतलब बहुत ज़्यादा कलेक्शन की थी बहुत ज़्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म थी और ये जो है करीब चार हेलो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस मूवी की हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है मर्द जी हाँ हम मर्द उन्नीस में जो अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी उसी का रिव्यू करने वाले हैं तो दोस्तों आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि मर्द फिल्म कब रिलीज़ की गई थी इसका डेट क्या था इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कितने में बनी थी कितने पैसे लगे थे इस मूवी को बनाने में इस मूवी में कौन कौन से आपको स्टार कास्ट दिखेंगे उनका नाम क्या है कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन इसके डायरेक्टर हैं कौन इसके लेखक हैं और ये जो मूवी है यह कब रिलीज़ की गई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कितना -कौ -कौ कलेक्शन कर सकी थी यह हिट हुई थी यह फ्लॉप हुई थी और अमिताभ बच्चन की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म माने जाने वाले मर्द जो हैं वो किस तरीके से दर्शकों को लुभाई थी इन सभी के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आपका कोई डाउट है कोई संदेह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मर्द दो सॉरी मर्द जो है ये उन्नीस में हिंदी लेग में जो बनी एक एक्शन फिल्म है जो कि भारतीय फिल्म है और इसे जो है डायरेक्ट किया गया है मनमोहन देसाई के द्वारा और स्टार्टिंग जो है वो अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह के द्वारा इसमें लीड रोल में दिखेंगे और ये जो है एक तमिल भाषा की रीमेक फिल्म है हाँ जो कि मावीरेनियन फिल्म की जो है वो तमिल भाषा की रीमेक की गई थी इसी के साथ अमिताभ बच्चन को नॉमिनेट किया गया था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर कैटेगरी में इसी फिल्म के तहत ठीक है और ये जो है हाईएस्ट ग्रो ग्रोसिंग फिल्म है मतलब बहुत ज़्यादा कलेक्शन की थी बहुत ज़्यादा कमाई करने वाली ये फ़िल्म थी और ये जो है करीब चार सौ हेलो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस मूवी की हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है मर्द जी हाँ हम मर्द उन्नीस में जो अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी उसी का रिव्यू करने वाले हैं तो दोस्तों आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि मर्द फिल्म कब रिलीज़ की गई थी इसका डेट क्या था इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कितने में बनी थी कितने पैसे लगे थे इस मूवी को बनाने में इस मूवी में कौन कौन से आपको स्टार कास्ट दिखेंगे उनका नाम क्या है कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन इसके डायरेक्टर हैं कौन इसके लेखक हैं और ये जो मूवी है यह कब रिलीज की गई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कितना कुल -कौ -कौ कलेक्शन कर सकी थी यह हिट हुई थी यह फ्लॉप हुई थी और अमिताभ बच्चन की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म माने जाने वाले मर्द जो हैं वो किस तरीके से दर्शकों को लुभाई थी इन सभी के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आपका कोई डाउट है कोई संदेह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मर्द दो सॉरी मर्द जो है ये उन्नीस में हिंदी लैंग्वेज में जो बनी एक एक्शन फिल्म है जो कि भारतीय फिल्म है और इसे जो है डायरेक्ट किया गया है मनमोहन देसाई के द्वारा और स्टार्टिंग जो है वो अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह के द्वारा इसमें लीड रोल में दिखेंगे और ये जो है एक तमिल भाषा की रीमेक फिल्म है हाँ जो कि मावीरेनियन फिल्म की जो है वो तमिल भाषा की रिमेक की गई थी इसी के साथ अमिताभ बच्चन को नॉमिनेट किया गया था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर कैटेगरी में जिससे फिल्म के तहत ठीक है और ये जो है हाईएस्ट ग्रो ग्रोसिंग फिल्म है मतलब बहुत ज़्यादा कलेक्शन की थी बहुत ज़्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म थी और ये जो है करीब चार हेलो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस मूवी की हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है मर्द जी हाँ हम मर्द उन्नीस में जो अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी उसी का रिव्यू करने वाले हैं तो दोस्तों आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि मर्द फिल्म कब रिलीज़ की गई थी इसका डेट क्या था इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कितने में बनी थी कितने पैसे लगे थे इस मूवी को बनाने में इस मूवी में कौन कौन से आपको स्टार कास्ट दिखेंगे उनका नाम क्या है कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन इसके डायरेक्टर हैं कौन इसके लेखक हैं और ये जो मूवी है यह कब रिलीज़ की गई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कितना कौ -कौ कलेक्शन कर सकी थी यह हिट हुई थी यह फ्लॉप हुई थी और अमिताभ बच्चन की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म माने जाने वाले मर्द जो हैं वो किस तरीके से दर्शकों को लुभाई थी जिन सभी के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आपका कोई डाउट है या कोई संदेह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मर्द दो सॉरी मर्द जो है ये उन्नीस में हिंदी लैंग्वेज में जो बनी एक एक्शन फिल्म है जो कि भारतीय फिल्म है और इसे जो है डायरेक्ट किया गया है मनमोहन देसाई के द्वारा और इस स्टार्टिंग जो है वो अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह के द्वारा इसमें लीड रोल में दिखेंगे और ये जो है एक तमिल भाषा की रिमेक फिल्म है हाँ जो कि मावीरेनियन फिल्म की जो है वो तमिल भाषा की रीमेक की गई थी इसी के साथ अमिताभ बच्चन को नॉमिनेट किया गया था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर कैटेगरी में जिस फिल्म के तहत ठीक है और ये जो है हाईएस्ट ग्रो ग्रोसिंग फिल्म है मतलब बहुत ज़्यादा कलेक्शन की थी बहुत ज़्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म थी और ये जो है करीब चार हेलो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस मूवी की हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है मर्द जी हाँ हम मर्द उन्नीस में जो अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी उसी का रिव्यू करने वाले हैं तो दोस्तों आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि मर्द फिल्म कब रिलीज़ की गई थी इसका डेट क्या था इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कितने में बनी थी कितने पैसे लगे थे इस मूवी को बनाने में इस मूवी में कौन कौन से आपको स्टार कास्ट दिखेंगे उनका नाम क्या है कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन इसके डायरेक्टर हैं कौन इसके लेखक हैं और ये जो मूवी है यह कब रिलीज़ की गई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कितना कुल -कौ -कौ कलेक्शन कर सकी थी यह हिट हुई थी यह फ्लॉप हुई थी और अमिताभ बच्चन की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म माने जाने वाले मर्द जो हैं वो किस तरीके से दर्शकों को लुभाई थी इन सभी के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आपका कोई डाउट है या कोई संदेह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मर्द दो सॉरी मर्द जो है ये उन्नीस में हिंदी लैंग्वेज में जो बनी एक एक्शन फिल्म है जो कि भारतीय फिल्म है और इसे जो है डायरेक्ट किया गया है मनमोहन देसाई के द्वारा और स्टार्टिंग जो है वो अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह के द्वारा इसमें लीड रोल में दिखेंगे और ये जो है एक तमिल भाषा की रीमेक फिल्म है हाँ जो कि मावीरेनियन फिल्म की जो है वो तमिल भाषा की रिमेक की गई थी इसी के साथ अमिताभ बच्चन को नॉमिनेट किया गया था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर कैटेगरी में जिस फिल्म के तहत ठीक है और ये जो है हाईएस्ट ग्रो ग्रोसिंग फिल्म है मतलब बहुत ज़्यादा कलेक्शन की थी बहुत ज़्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म थी और ये जो है करीब चार हेलो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस मूवी की हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है मर्द जी हाँ हम मर्द उन्नीस में जो अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी उसी का रिव्यू करने वाले हैं तो दोस्तों आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि मर्द फिल्म कब रिलीज़ की गई थी इसका डेट क्या था इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कितने में बनी थी कितने पैसे लगे थे इस मूवी को बनाने में इस मूवी में कौन कौन से आपको स्टार कास्ट दिखेंगे उनका नाम क्या है कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन इसके डायरेक्टर हैं कौन इसके लेखक हैं और ये जो मूवी है यह कब रिलीज़ की गई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कितना कुल -कौ -कौ कलेक्शन कर सकी थी यह हिट हुई थी यह फ्लॉप हुई थी और अमिताभ बच्चन की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म माने जाने वाले मर्द जो हैं वो किस तरीके से दर्शकों को लुभाई थी इन सभी के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आपका कोई डाउट है या कोई संदेह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मर्द दो सॉरी मर्द जो है ये उन्नीस में हिंदी लैंग्वेज में जो बनी एक एक्शन फिल्म है जो कि भारतीय फिल्म है और इसे जो है डायरेक्ट किया गया है मनमोहन देसाई के द्वारा और स्टार्टिंग जो है वो अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह के द्वारा इसमें लीड रोल में दिखेंगे और ये जो है एक तमिल भाषा की रीमेक फिल्म है हाँ जो कि मावीरेनियन फिल्म की जो है वो तमिल भाषा की रिमेक की गई थी इसी के साथ अमिताभ बच्चन को नॉमिनेट किया गया था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर कैटेगरी में जिस फिल्म के तहत ठीक है और ये जो है हाईएस्ट ग्रो ग्रोसिंग फिल्म है मतलब बहुत ज़्यादा कलेक्शन की थी बहुत ज़्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म थी और ये जो है करीब चार हेलो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस मूवी की हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है मर्द जी हाँ हम मर्द उन्नीस में जो अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी उसी का रिव्यू करने वाले हैं तो दोस्तों आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि मर्द फिल्म कब रिलीज़ की गई थी इसका डेट क्या था इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कितने में बनी थी कितने पैसे लगे थे इस मूवी को बनाने में इस मूवी में कौन कौन से आपको स्टार कास्ट दिखेंगे उनका नाम क्या है कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन इसके डायरेक्टर हैं कौन इसके लेखक हैं और ये जो मूवी है यह कब रिलीज़ की गई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कितना कुल -कौ -कौ कलेक्शन कर सकी थी यह हिट हुई थी यह फ्लॉप हुई थी और अमिताभ बच्चन की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म माने जाने वाले मर्द जो हैं वो किस तरीके से दर्शकों को लुभाई थी इन सभी के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आपका कोई डाउट है या कोई संदेह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मर्द दो सॉरी मर्द जो है ये उन्नीस में हिंदी लैंग्वेज में जो बनी एक एक्शन फिल्म है जो कि भारतीय फिल्म है और इसे जो है डायरेक्ट किया गया है मनमोहन देसाई के द्वारा और स्टार्टिंग जो है वो अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह के द्वारा इसमें लीड रोल में दिखेंगे और ये जो है एक तमिल भाषा की रीमेक फिल्म है हाँ जो कि मावीरेनियन फिल्म की जो है वो तमिल भाषा की रिमेक की गई थी इसी के साथ अमिताभ बच्चन को नॉमिनेट किया गया था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर कैटेगरी में जिस फिल्म के तहत ठीक है और ये जो है हाईएस्ट ग्रो ग्रोसिंग फिल्म है मतलब बहुत ज़्यादा कलेक्शन की थी बहुत ज़्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म थी और ये जो है करीब चार सौ हेलो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस मूवी की हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है मर्द जी हाँ हम मर्द उन्नीस में जो अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी उसी का रिव्यू करने वाले हैं तो दोस्तों आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि मर्द फिल्म कब रिलीज़ की गई थी इसका डेट क्या था इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कितने में बनी थी कितने पैसे लगे थे इस मूवी को बनाने में इस मूवी में कौन कौन से आपको स्टार कास्ट दिखेंगे उनका नाम क्या है कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन इसके डायरेक्टर हैं कौन इसके लेखक हैं और ये जो मूवी है यह कब रिलीज की गई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कितना कौ, कौ, कलेक्शन कर सकी थी यह हिट हुई थी यह फ्लॉप हुई थी और अमिताभ बच्चन की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म माने जाने वाले मर्द जो हैं वह किस तरीके से दर्शकों को लुभाई थी इन सभी के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आपका कोई डाउट है या कोई संदेह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मर्द 2000 सॉरी मर्द जो है ये उन्नीस में हिंदी लैंग्वेज में जो बनी एक एक्शन फिल्म है जो कि भारतीय फिल्म है और इसे जो है डायरेक्ट किया गया है मनमोहन देसाई के द्वारा और स्टार्टिंग जो है वो अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह के द्वारा इसमें लीड रोल में दिखेंगे और ये जो है एक तमिल भाषा की रीमेक फिल्म है हाँ जो कि मावीरेनियन फिल्म की जो है वो तमिल भाषा की रिमेक की गई थी इसी के साथ अमिताभ बच्चन को नॉमिनेट किया गया था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर कैटेगरी में जिस फिल्म के तहत ठीक है और ये जो है हाईएस्ट ग्रो ग्रोसिंग फिल्म है मतलब बहुत ज्यादा कलेक्शन की थी बहुत ज्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म थी और ये जो है करीब चार हेलो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस मूवी की हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है मर्द जी हाँ हम मर्द उन्नीस में जो अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी उसी का रिव्यू करने वाले हैं तो दोस्तों आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि मर्द फिल्म कब रिलीज़ की गई थी इसका डेट क्या था इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कितने में बनी थी कितने पैसे लगे थे इस मूवी को बनाने में इस मूवी में कौन कौन से आपको स्टार कास्ट दिखेंगे उनका नाम क्या है कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन इसके डायरेक्टर हैं कौन इसके लेखक हैं और ये जो मूवी है यह कब रिलीज़ की गई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कितना कुल कौ, कौ, कलेक्शन कर सकी थी यह हिट हुई थी यह फ्लॉप हुई थी और अमिताभ बच्चन की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म माने जाने वाले मर्द जो हैं वो किस तरीके से दर्शकों को लुभाई थी इन सभी के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आपका कोई डाउट है या कोई संदेह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मर्द दो सॉरी मर्द जो है ये उन्नीस में हिंदी लैंग्वेज में जो बनी एक एक्शन फिल्म है जो कि भारतीय फिल्म है और इसे जो है डायरेक्ट किया गया है मनमोहन देसाई के द्वारा और स्टार्टिंग जो है वो अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह के द्वारा इसमें लीड रोल में दिखेंगे और ये जो है एक तमिल भाषा की रीमेक फिल्म है हाँ जो कि मावीरेनियन फिल्म की जो है वो तमिल भाषा की रीमेक की गई थी इसी के साथ अमिताभ बच्चन को नॉमिनेट किया गया था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर कैटेगरी में इसी फिल्म के तहत ठीक है और ये जो है हाईएस्ट ग्रो ग्रोसिंग फिल्म है मतलब बहुत ज़्यादा कलेक्शन की थी बहुत ज़्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म थी और ये जो है करीब चार हेलो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस मूवी की हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है मर्द जी हाँ हम मर्द उन्नीस में जो अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी उसी का रिव्यू करने वाले हैं तो दोस्तों आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि मर्द फिल्म कब रिलीज़ की गई थी इसका डेट क्या था इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कितने में बनी थी कितने पैसे लगे थे इस मूवी को बनाने में इस मूवी में कौन कौन से आपको स्टार कास्ट दिखेंगे उनका नाम क्या है कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन इसके डायरेक्टर हैं कौन इसके लेखक हैं और ये जो मूवी है यह कब रिलीज़ की गई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कितना कुल -कौ -कौ कलेक्शन कर सकी थी यह हिट हुई थी यह फ्लॉप हुई थी और अमिताभ बच्चन की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म माने जाने वाले मर्द जो हैं वो किस तरीके से दर्शकों को लुभाई थी इन सभी के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आपका कोई डाउट है या कोई संदेह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मर्द दो सॉरी मर्द जो है ये उन्नीस में हिंदी लैंग्वेज में जो बनी एक एक्शन फिल्म है जो कि भारतीय फिल्म है और इसे जो है डायरेक्ट किया गया है मनमोहन देसाई के द्वारा और स्टार्टिंग जो है वो अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह के द्वारा इसमें लीड रोल में दिखेंगे और ये जो है एक तमिल भाषा की रीमेक फिल्म है हाँ जो कि मावीरेनियन फिल्म की जो है वो तमिल भाषा की रीमेक की गई थी इसी के साथ अमिताभ बच्चन को नॉमिनेट किया गया था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर कैटेगरी में जिसे फिल्म के तहत ठीक है और ये जो है हाईएस्ट ग्रो ग्रोसिंग फिल्म है मतलब बहुत ज़्यादा कलेक्शन की थी बहुत ज़्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म थी और ये जो है करीब चार हेलो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस मूवी की हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है मर्द जी हाँ हम मर्द उन्नीस में जो अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी उसी का रिव्यू करने वाले हैं तो दोस्तों आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि मर्द फिल्म कब रिलीज़ की गई थी इसका डेट क्या था इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कितने में बनी थी कितने पैसे लगे थे इस मूवी को बनाने में इस मूवी में कौन कौन से आपको स्टार कास्ट दिखेंगे उनका नाम क्या है कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन इसके डायरेक्टर हैं कौन इसके लेखक हैं और ये जो मूवी है यह कब रिलीज़ की गई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर सकी थी यह हिट हुई थी ये फ्लॉप हुई थी और अमिताभ बच्चन की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म माने जाने वाले मर्द जो हैं वो किस तरीके से दर्शकों को लुभाई थी इन सभी के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आपका कोई डाउट है या कोई संदेह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मर्द दो सॉरी मर्द जो है ये उन्नीस में हिंदी लैंग्वेज में जो बनी एक एक्शन फिल्म है जो कि भारतीय फिल्म है और इसे जो है डायरेक्ट किया गया है मनमोहन देसाई के द्वारा और इस स्टार्टिंग जो है वो अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह के द्वारा इसमें लीड रोल में दिखेंगे और ये जो है एक तमिल भाषा की रीमेक फिल्म है हाँ जो कि मावीरेनियन फिल्म की जो है वो तमिल भाषा की रीमेक की गई थी इसी के साथ अमिताभ बच्चन को नॉमिनेट किया गया था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर कैटेगरी में जिस फिल्म के तहत ठीक है और ये जो है हाईएस्ट ग्रो ग्रोसिंग फिल्म है मतलब बहुत ज़्यादा कलेक्शन की थी बहुत ज़्यादा कमाई करने वाली ये फ़िल्म थी और ये जो है करीब चार सौ हेलो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस मूवी की हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है मर्द जी हाँ हम मर्द उन्नीस में जो अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी उसी का रिव्यू करने वाले हैं तो दोस्तों आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि मर्द फिल्म कब रिलीज़ की गई थी इसका डेट क्या था इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कितने में बनी थी कितने पैसे लगे थे इस मूवी को बनाने में इस मूवी में कौन कौन से आपको स्टार कास्ट दिखेंगे उनका नाम क्या है कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन इसके डायरेक्टर हैं कौन इसके लेखक हैं और ये जो मूवी है यह कब रिलीज़ की गई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कितना कुल कौ -कौ कलेक्शन कर सकी थी यह हिट हुई थी ये फ्लॉप हुई थी और अमिताभ बच्चन की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म माने जाने वाले मर्द जो हैं वो किस तरीके से दर्शकों को लुभाई थी इन सभी के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आपका कोई डाउट है या कोई संदेह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मर्द दो सॉरी मर्द जो है ये उन्नीस में हिंदी लेग में जो बनी एक एक्शन फिल्म है जो कि भारतीय फिल्म है और इसे जो है डायरेक्ट किया गया है मनमोहन देसाई के द्वारा और इस स्टार्टिंग जो है वो अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह के द्वारा इसमें लीड रोल में दिखेंगे और ये जो है एक तमिल भाषा की रीमेक फिल्म है हाँ जो कि मावीरेनियन फिल्म की जो है वो तमिल भाषा की रीमेक की गई थी इसी के साथ अमिताभ बच्चन को नॉमिनेट किया गया था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर कैटेगरी में जिस फिल्म के तहत ठीक है और ये जो है हाईएस्ट ग्रो ग्रोसिंग फिल्म है मतलब बहुत ज़्यादा कलेक्शन की थी बहुत ज़्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म थी और ये जो है करीब चार सौ हेलो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस मूवी की हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है मर्द जी हाँ हम मर्द उन्नीस में जो अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी उसी का रिव्यू करने वाले हैं तो दोस्तों आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि मर्द फिल्म कब रिलीज़ की गई थी इसका डेट क्या था इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कितने में बनी थी कितने पैसे लगे थे इस मूवी को बनाने में इस मूवी में कौन कौन से आपको स्टार कास्ट दिखेंगे उनका नाम क्या है कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन इसके डायरेक्टर हैं कौन इसके लेखक हैं और ये जो मूवी है यह कब रिलीज़ की गई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कितना कौ, कौ, कलेक्शन कर सकी थी यह हिट हुई थी यह फ्लॉप हुई थी और अमिताभ बच्चन की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म माने जाने वाले मर्द जो हैं वो किस तरीके से दर्शकों को लुभाई थी इन सभी के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आपका कोई डाउट है कोई संदेह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मर्द दो सॉरी मर्द जो है ये उन्नीस में हिंदी लैंग्वेज में जो बनी एक एक्शन फिल्म है जो कि भारतीय फिल्म है और इसे जो है डायरेक्ट किया गया है मनमोहन देसाई के द्वारा और इस स्टार्टिंग जो है वो अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह के द्वारा इसमें लीड रोल में दिखेंगे और ये जो है एक तमिल भाषा की रिमेक फिल्म है हाँ जो कि मावीरेनियन फिल्म की जो है वो तमिल भाषा की रिमेक की गई थी इसी के साथ अमिताभ बच्चन को नॉमिनेट किया गया था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर कैटेगरी में जिसी फिल्म के तहत ठीक है और ये जो है हाईएस्ट ग्रो ग्रोसिंग फिल्म है मतलब बहुत ज़्यादा कलेक्शन की थी बहुत ज़्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म थी और ये जो है करीब चार सौ हेलो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस मूवी की हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है मर्द जी हाँ हम मर्द उन्नीस में जो अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी उसी का रिव्यू करने वाले हैं तो दोस्तों आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि मर्द फिल्म कब रिलीज़ की गई थी इसका डेट क्या था इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कितने में बनी थी कितने पैसे लगे थे इस मूवी को बनाने में इस मूवी में कौन कौन से आपको स्टार कास्ट दिखेंगे उनका नाम क्या है कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन इसके डायरेक्टर हैं कौन इसके लेखक हैं और ये जो मूवी है यह कब रिलीज़ की गई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कितना कौ -कौ कलेक्शन कर सकी थी यह हिट हुई थी यह फ्लॉप हुई थी और अमिताभ बच्चन की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म माने जाने वाले मर्द जो हैं वो किस तरीके से दर्शकों को लुभाई थी इन सभी के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आपका कोई डाउट है या कोई संदेह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मर्द दो सॉरी मर्द जो है ये उन्नीस में हिंदी लैंग्वेज में जो बनी एक एक्शन फिल्म है जो कि भारतीय फिल्म है और इसे जो है डायरेक्ट किया गया है मनमोहन देसाई के द्वारा और इस स्टार्टिंग जो है वो अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह के द्वारा इसमें लीड रोल में दिखेंगे और ये जो है एक तमिल भाषा की रिमेक फिल्म है हाँ जो कि मावीरेनियन फिल्म की जो है वो तमिल भाषा की रिमेक की गई थी इसी के साथ अमिताभ बच्चन को नॉमिनेट किया गया था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर कैटेगरी में जिस फिल्म के तहत ठीक है और ये जो है हाईएस्ट ग्रो ग्रोसिंग फिल्म है मतलब बहुत ज़्यादा कलेक्शन की थी बहुत ज़्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म थी और ये जो है करीब चार सौ हेलो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस मूवी की हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है मर्द जी हाँ हम मर्द उन्नीस में जो अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी उसी का रिव्यू करने वाले हैं तो दोस्तों आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि मर्द फिल्म कब रिलीज़ की गई थी इसका डेट क्या था इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कितने में बनी थी कितने पैसे लगे थे इस मूवी को बनाने में इस मूवी में कौन कौन से आपको स्टार कास्ट दिखेंगे उनका नाम क्या है कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन इसके डायरेक्टर हैं कौन इसके लेखक हैं और ये जो मूवी है यह कब रिलीज़ की गई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कितना -कौ -कौ कलेक्शन कर सकी थी यह हिट हुई थी यह फ्लॉप हुई थी और अमिताभ बच्चन की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म माने जाने वाले मर्द जो हैं वो किस तरीके से दर्शकों को लुभाई थी जिन सभी के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आपका कोई डाउट है या कोई संदेह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मर्द दो सॉरी मर्द जो है ये उन्नीस में हिंदी लेग में जो बनी एक एक्शन फिल्म है जो कि भारतीय फिल्म है और इसे जो है डायरेक्ट किया गया है मनमोहन देसाई के द्वारा और इस स्टार्टिंग जो है वो अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह के द्वारा इसमें लीड रोल में दिखेंगे और ये जो है एक तमिल भाषा की रिमेक फिल्म है हाँ जो कि मावीरेनियन फिल्म की जो है वो तमिल भाषा की रीमेक की गई थी इसी के साथ अमिताभ बच्चन को नॉमिनेट किया गया था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर कैटेगरी में जिस फिल्म के तहत ठीक है और ये जो है हाईएस्ट ग्रो ग्रोसिंग फिल्म है मतलब बहुत ज़्यादा कलेक्शन की थी बहुत ज़्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म थी और ये जो है करीब चार हेलो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस मूवी की हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है मर्द जी हाँ हम मर्द उन्नीस में जो अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी उसी का रिव्यू करने वाले हैं तो दोस्तों आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि मर्द फिल्म कब रिलीज़ की गई थी इसका डेट क्या था इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कितने में बनी थी कितने पैसे लगे थे इस मूवी को बनाने में इस मूवी में कौन कौन से आपको स्टार कास्ट दिखेंगे उनका नाम क्या है कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन इसके डायरेक्टर हैं कौन इसके लेखक हैं और ये जो मूवी है यह कब रिलीज की गई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कितना कुल कौ, कौ, कलेक्शन कर सकी थी यह हिट हुई थी यह फ्लॉप हुई थी और अमिताभ बच्चन की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म माने जाने वाले मर्द जो हैं वो किस तरीके से दर्शकों को लुभाई थी इन सभी के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आपका कोई डाउट है या कोई संदेह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मर्द दो सॉरी मर्द जो है ये उन्नीस में हिंदी लैंग्वेज में जो बनी एक एक्शन फिल्म है जो कि भारतीय फिल्म है और इसे जो है डायरेक्ट किया गया है मनमोहन देसाई के द्वारा और स्टार्टिंग जो है वो अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह के द्वारा इसमें लीड रोल में दिखेंगे और ये जो है एक तमिल भाषा की रीमेक फिल्म है हाँ जो कि मावीरेनियन फिल्म की जो है वो तमिल भाषा की रिमेक की गई थी इसी के साथ अमिताभ बच्चन को नॉमिनेट किया गया था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर कैटेगरी में जिसे फिल्म के तहत ठीक है और ये जो है हाईएस्ट ग्रो ग्रोसिंग फिल्म है मतलब बहुत ज़्यादा कलेक्शन की थी बहुत ज़्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म थी और ये जो है करीब चार हेलो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस मूवी की हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है मर्द जी हाँ हम मर्द उन्नीस में जो अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी उसी का रिव्यू करने वाले हैं तो दोस्तों आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि मर्द फिल्म कब रिलीज़ की गई थी इसका डेट क्या था इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कितने में बनी थी कितने पैसे लगे थे इस मूवी को बनाने में इस मूवी में कौन कौन से आपको स्टार कास्ट दिखेंगे उनका नाम क्या है कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन इसके डायरेक्टर हैं कौन इसके लेखक हैं और ये जो मूवी है ये कब रिलीज़ की गई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कितना कुल कलेक्शन कर सकी थी ये हिट हुई थी यह फ्लॉप हुई थी और अमिताभ बच्चन की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म माने जाने वाले मर्द जो हैं वो किस तरीके से दर्शकों को लुभाई थी इन सभी के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आपका कोई डाउट है या कोई संदेह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मर्द दो सॉरी मर्द जो है ये उन्नीस में हिंदी लैंग्वेज में जो बनी एक एक्शन फिल्म है जो कि भारतीय फिल्म है और इसे जो है डायरेक्ट किया गया है मनमोहन देसाई के द्वारा और इस स्टार्टिंग जो है वो अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह के द्वारा इसमें लीड रोल में दिखेंगे और ये जो है एक तमिल भाषा की रिमेक फिल्म है हाँ जो कि मावीरेनियन फिल्म की जो है वो तमिल भाषा की रिमेक की गई थी इसी के साथ अमिताभ बच्चन को नॉमिनेट किया गया था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर कैटेगरी में जिस फिल्म के तहत ठीक है और ये जो है हाईएस्ट ग्रो ग्रोसिंग फिल्म है मतलब बहुत ज़्यादा कलेक्शन की थी बहुत ज़्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म थी और ये जो है करीब चार सौ